महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में आते जाते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं आ पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है, तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अप्रमेय हरे विष्णु कृष्ण दामोदर अच्युत गोविंद अनंत देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। महामते, देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहां पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहां मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवन, जहां पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूं। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित हैं। कोई असिपत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है। किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहां यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए,
ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सब पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरकाग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जातीं तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूध दुहकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहां हाहाकार करने से क्या लाभ, निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहां जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूं, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्रह्मन, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं, ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहां ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। ब्रह्मन, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवन, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूं। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहां नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्रह्मन, हम नरक से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्न चित्त होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो, तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहां पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया।
आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है, यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी, इसके लिए तो कहना ही क्या है। मृग श्रृंग का विवाह, विवाह के भेद तथा गृहस्थ आश्रम का धर्म। राजा दिलीप बोले, मुने, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृग श्रृंग के शेष चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मचारी मृगश्रृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया, फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुछ मुनि के उस पुत्र को उचित्य ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनीश्वर मृगश्रृंग ने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उचित्य पुत्री सुवृत्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से सुवृत्ता तथा उसकी तीनों सखियों कमला, विमला और सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है, इसलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्राह्म विवाह की ही रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर वधु को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटी में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात यदि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूं। विवाह 8 प्रकार के हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। जहां वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधिपूर्वक दान किया जाता है वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋत्विज को जो कन्या दी जाती है वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, यों कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्मानुकूल माने गए हैं। जहां धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वह आसुर विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम गांधर्व है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पैशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनीश्वर मृगशृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गार्हस्थ्य धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी न कभी हुई है न होगी। सुवृत्ता, कमला, विमला और सुरसा ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर हो सदा पति की सेवा में लगी रहती थीं। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी।
इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। राजा दिलीप ने पूछा, मुनिवर पतिव्रता का क्या लक्षण है तथा गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं, कृपया बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं गृहस्थाश्रम का लक्षण बतलाता हूं। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्राह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थोपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करे। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर की भूमि लांघकर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाए और वहां मलमूत्र का त्याग करे। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दे और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यत्न पूर्वक मौन रहे, न तो थूके और न ऊपर को सांस ही खींचे। शौच के स्थान पर अधिक देर तक न रुके, मल की ओर दृष्टिपात न करे, अपने शिश्न को हाथ से पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर आलस्य रहित हो गुदा और लिंग को अच्छी तरह धो डाले। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करे जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया अर्थात गुदा आदि धोना न करे। यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकालकर उससे अलग जाकर शौच कर्म करे। लिंग में एक बार, गुदा में 5 बार तथा बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाए। दोनों पैरों में 5-5 बार मिट्टी लगाकर धोए। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध ले और 2 बार आचमन करे। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूरब की ओर मुंह करके हाथ में पवित्री धारण किए आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री जूठी नहीं। यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर ले तो वह अवश्य जूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तदनंतर उठकर दोनों नेत्र धो डाले और दंत धावन करे। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजाः पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च त्वं नो देहि वनस्पते। वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, वेदाध्ययन की बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का पाठ करके दातुन करें। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो और उसमें कोई छेद न हो। मोटाई भी कनिष्ठिका अंगुली के बराबर होनी चाहिए। रविवार को दातुन निषिद्ध है, उस दिन 12 कुल्लों से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध हो विधिपूर्वक प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। विज्ञ ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र अर्थात चादर सदा ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए। तदनंतर संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करें। आपो हिष्ठा आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करें। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सींचे। फिर सूर्यश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करे और सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो 3 बार ऊपर को वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्य को अर्धदान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हों उसी समय विधिपूर्वक आरंभ करे और जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करें।
संध्या काल में गुरु के चरणों को तथा भूमि देवी को प्रणाम करें। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्योपासन करता है, उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करे। कोई भी दिन खाली न जाने दे। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करे। यह दिन के प्रथम भाग का कृत्य बतलाया गया। दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। समिधा, फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्यायपूर्वक कुछ धन का उपार्जन करे। शरीर को क्लेश दिए बिना दैवेच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करे। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन हैं। यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, ये ही उसकी आजीविका के 3 कर्म हैं। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करे, प्रातःकाल संध्या वंदन के पश्चात। कुश के आसन पर बैठे और दोनों हाथों में कुश ले अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखे, ऋषि तर्पण के समय उसे गले में माला की भांति कर ले और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखे। उन्हें क्रमशः देवतीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से ही जल देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दे। मध्याह्न काल में आपो हिष्ठा इस मंत्र से अपने मस्तक को सींच कर आपह पुनंतु इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को 1 बार अर्घ दे। उसके बाद गायत्री का जप करें। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्थान करके उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कार के पश्चात आसन पर बैठे और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाग्र चित्त हो घर को जाए। इस प्रकार जप यज्ञ के अनंतर देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश तथा शिव, इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूत बलि, काक बलि और कुक्कुर बलि आदि देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरग दैत्य संगाघ प्रेताः पिशाचा उर्गाः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हों, वे यहां आकर मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण करें। यों कहकर सब प्राणियों के लिए पृथक पृथक बलि दे। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न चित्त होकर द्वार पर बैठे और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करें। गोदोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो अभी उपयोग में न लाई गई हो अन्न निकालकर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दे, फिर अन्न दे, उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गोदान के समान पुण्य होता है, ऐसा भगवान यम का कथन है। माता, पिता, गुरु, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर लें, उसके बाद घर का मालिक, गृहस्थ पुरुष लिपे पुते पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर
और मुख, इन पांचों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना उचित है। एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन न करे। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल, इन चारों की वृद्धि होती है। घी, अन्न तथा सभी प्रकार के व्यंजन करछुल से ही परोसने चाहिए, हाथ से नहीं। भोजन में से पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा चित्रगुप्त को बलि दे, फिर संपूर्ण भूतों के लिए अन्न देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। यत्र क्वचन संस्थानाम क्षुत्रिष्णो पहतात्मनाम भूतानाम तृप्तये क्षय्यमिदमस्तु यथा सुखम। जहां कहीं भी रहकर भूख प्यास से पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए यह अन्न और जल प्रस्तुत है, यह उनके लिए सुखपूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। भोजन में मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करे, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाए, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहण करे। पहले रसदार चीजें खाए, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करे और अंत में पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोज्यादि पदार्थों का सेवन न करे। सूखे और बासी अन्न को भोजन करने के योग्य नहीं बतलाया गया है। भोजन के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके एकाग्र चित्त हो हाथ और मुंह की शुद्धि करे, मिट्टी और जल से खूब मल मल कर धोए, तदनंतर कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का, उनकी संधियों का, तिनके आदि की सहायता से शोधन करे, फिर आचमन करके पात्र को हटा दे और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख तथा नासिका का स्पर्श करे, हथेली से नाभि का स्पर्श करे, तत्पश्चात शुद्ध एवं शांत चित्त होकर आसन पर बैठे और अपने इष्ट देव का स्मरण करे, उसके बाद पुनः आचमन करके तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्म का चिंतन करे। दिन के 6ठे और 7वें भाग को सन्मार्ग आदि के अविरुद्ध उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्यतीत करे। 8वें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहे। उसके बाद पुनः बाह्य संध्या, सायंग संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंच जाए, तब हाथ पैर धोकर हाथ में कुश ले एकाग्र चित्त हो सायंकालीन संध्योपासना करे। सूर्य के रहते रहते ही पश्चिम संध्या प्रारंभ करे। उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधी मंत्रों से मार्जन करे। सायंकाल में अग्निश्च मा मन्युश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा और सवेरे सूर्यश्च मा मन्युश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा आचमन करे। सायंग संध्या में पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन तथा एकाग्र चित्त हो रुद्राक्ष की माला ले तारों के उदय होने तक प्रणव और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करे। फिर वरुण देवता संबंधिनी ऋचाओं से सूर्योपस्थान करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पृथक पृथक नमस्कार करे। इस प्रकार सायंकाल की संध्योपासना करके अग्निहोत्र करने के पश्चात कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करे। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करे। सायंकाल और प्रातः काल में भी बलि वैश्वदेव करना चाहिए। स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलि वैश्वदेव का अनुष्ठान सदा ही करे, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। यदि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। रात में भोजन के पश्चात हाथ पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल शैया पर सोने के लिए जाए। शैया पर तकिए का होना आवश्यक है।
अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करे और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर। परदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए, उत्तर की ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले रात्रि सूक्त का जप और सुखपूर्वक शयन करने वाले देवताओं का स्मरण करें। फिर एकाग्र चित्त होकर अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल तथा आस्तिक मुनि ये पांचों सुखपूर्वक शयन करने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जलपूर्ण कलश को सिरहाने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सोए। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करे, सदा अपनी स्त्री से ही अनुराग रखे। पत्नी के स्वीकार करने पर रति की इच्छा से उसके पास जाए। पर्व के दिन उसका स्पर्श न करे। रात्रि के पहले और पिछले प्रहर को वेदाभ्यास में व्यतीत करे और बीच के दोनों प्रहरों में शयन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऊपर जो कुछ बतलाया गया वह सारा कर्म गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए, यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक्त सदाचार से युक्त यह गृहस्थाश्रम का लक्षण मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। अब पतिव्रताओं के लक्षण सुनो।